कभी सोचा है कि शायद हर साल यहाँ आना तो एक तरफ, 10 साल में एक बार भी मिलना मुश्किल हो। यार, तो ये सब क्यों कह रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा। दिल चाहता है, हम दोस्त थे, हैं, रहेंगे। दिल चाहता है, हमेशा। दिल चाहता है। अरे उसने तेरी खुददारी को ललकारा है यार, क्या कर रहा है? मर्द बन, be a man। यार मैं उसे डरता नहीं हूँ, I love her, और मैं उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहता, उसे खोना नहीं चाहता मैं। क्यों इन बड़े सितारों ने किया था दोस्ती की मिसाल कह जाने वाली फिल्म दिल चाहता है का भाग बनने से इनकार? इस फिल्म को बनाने के लिए फरहान अख्तर ने ऐसा क्या किया जिसकी आज भी मिसाल दे जाती है? स्वागत है आपका बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। आमिर खान के कैरियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक दिल चाहता है आज भी दर्शकों की पसंदीदा फिल्मों में से एक है। आमिर खान, सैफ अली खान, अक्षय खन्ना और प्रीति जिंटा की ये शानदार फिल्म हिंदी सिनेमा की ऑल टाइम क्लासिक का दर्जा हासिल कर चुकी है। लेकिन क्या आपको पता है दिल चाहता है कि आइकॉनिक टिकड़ी यानी आमिर खान, सैफ अली खान और अक्षय खन्ना फिल्म के लिए पहली पसंद नहीं थे? आज हम आपको फिल्म से जुड़ी कुछ ऐसी अनजान खबरों से अवगत कराएंगे। तीन दोस्तों की जिंदगी और दोस्ती के इर्द गिर्द घूमती ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी और लोगों के बीच इसकी चर्चा आज तक हो रही है। इस फिल्म ने न केवल लोगों को दोस्ती की डेफिनेशन दी बल्कि फरहान खान जिन्होंने इस फिल्म को लिखा और निर्देशन किया था जैसा बढ़िया डायरेक्टर भी हमें दिया। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि निर्देशक फरहान अख्तर इस फिल्म के लिए पहले ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन और अक्षय खन्ना को लेना चाहते थे, लेकिन ऋतिक रोशन ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया और अभिषेक बच्चन के साथ भी बात नहीं बन पाई। आखिरकार आमिर खान और सैफ अली खान से बातचीत हुई और उन्हें इस फिल्म में लिया गया। फिल्म में आमिर की एंट्री की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले अक्षय खन्ना आकाश का रोल निभाने वाले थे जिसे बाद आमिर खान को ये रोल दिया गया, लेकिन रोल्स की ये अदला बदली इतनी आसानी से नहीं हुई थी। फरहान अख्तर को आमिर खान से बात करने में 10 महीने लग गए थे। फरहान ने 10 महीने तक आमिर खान के साथ अपॉइंटमेंट मिलने का इंतजार किया था जिसके बाद आमिर को फिल्म में लिया जा सका था। उनके इस पैशन की तारीफ आज तक की जाती है। आमिर और सैफ के अलावा सैफ की गर्लफ्रेंड के रोल में भी सोनाली कुलकर्णी की बजाय कोई और एक्ट्रेस होने वाली थी। असल में फरहान ने एक्ट्रेस ईशा कोपिकर को समीर की गर्लफ्रेंड पूजा का रोल दिया था। हालांकि ईशा भी इस फिल्म को किन्हीं कारणों से नहीं कर पाई। इन डिटेल कास्टिंग का फिल्म को कितना फायदा हुआ शायद बताने की भी जरूरत नहीं है। दिल चाहता है ने हिंदी सिनेमा में एक बेहतरीन मुकाम बनाया। कमाल की बात ये है कि फिल्म ने हर वर्ग के दर्शकों को प्रभावित किया। क्रिटिक्स ने भी फिल्म की जमकर तारीफ की। जाहिर सी बात है कि तमाम सितारों को दिल चाहता है में काम ना करने का मलाल होगा। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि फिल्म के विषय में वो क्या खास बात है जो इसे आपके लिए स्पेशल बनाता है, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।